नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि आपका सिगरेट छोड़ने के बाद जो अगले 72 घंटे होते हैं उसमें क्या क्या होता है और वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कितना ज़्यादा खुशी लेके आने वाला है और इसके साथ में ड्रॉबैक कौन कौन से आते हैं 72 घंटों में, ये सारी बातें इस बात में डिस्कस करेंगे कि मतलब कि सिगरेट छोड़ने से लेके अगले 72 घंटे आपके लिए कितना मुश्किल भरा होगा या कितना खुशी भरा होगा, ये सारी बातें बात करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि हम अपने वीडियोज़ में बताते रहते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करना है तो पान तंबाकू गुटखा नहीं खाना है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट को मैंने बोला कि भाई पान तंबाकू गुटखा नहीं खाना है, भैया पान तंबाकू गुटखा छोड़ दिए, लेकिन पान तंबाकू गुटखा छोड़ने के बाद उन्होंने शुरू कर दिया सिगरेट पीना। अब भैया सिगरेट कैसे छोड़ें, क्योंकि देखिए पान तंबाकू गुटखा खाने से तो आपके मुंह में ही इन्फेक्शन हो रहा था, लेकिन सिगरेट पीने से आपके बॉडी में पूरा बॉडी में इन्फेक्शन होता है। अब पूरी बॉडी में क्या क्या इन्फेक्शन होता है ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब हम ये बताते हैं कि सिगरेट कैसे छोड़ें। तो सिगरेट तुरंत आप कभी भी मन बना के छोड़ सकते हैं, और सिगरेट छोड़ने के बाद या गुटखा छोड़ने के बाद पेशेंट का मेरे पास क्वेरीज आता है कि सर सिगरेट छोड़ने के बाद या गुटखा छोड़ने के बाद कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि जिससे कि हमारे मुंह में कैंसर हो जाएगा या कुछ ऐसी बीमारी नहीं होगी जिससे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि छोड़ने के बाद आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन क्यों आता है ये कभी भी नहीं सोचिएगा कि छोड़ने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही थी वो छोड़ने से पहले तक हो रही थी, जब तक आप उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। और छोड़ने के बाद आपके शरीर में क्या क्या होता है, कितनी पॉजिटिविटी आती है, मैं सारी चीज़ें इस बात पर डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आप सिगरेट ले रहे हैं, पान तंबाकू गुटखा छोड़ के सिगरेट लेना शुरू किए, तो सिगरेट जब लेते हैं तो सिगरेट एक सिगरेट में आपके लगभग 7,000 पॉइजनस केमिकल मिले होते हैं। जी हाँ, 7,000 ऐसे केमिकल जो कि आपके बॉडी को हर पल नुकसान पहुँचा रहे हैं, और साथ में 240 से भी ज़्यादा जहरीली गैसें और निकोटीन। जी हाँ, 7,000 केमिकल, 240 गैसें और निकोटीन, ये सारी चीज़ें एक छोटे से सिगरेट के पाइप से आपके मुंह में जा रही हैं। जिस समय आप सिगरेट छोड़ते हैं एट उसी टाइम से 1 घंटे के अंदर आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, निकोटीन की मात्रा 1 घंटे में अंदर आपके ब्लड में कम होने लगेगी और आपको एनर्जेटिक महसूस होने लगेगा। लेकिन साथ में उसी 1 घंटे में आपको ये भी महसूस होने लगेगा कि अब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि हमको दिक्कत हो रही है, और वो दिक्कत क्या होती है, आपको तलब लगने लगती है, आपको खोजने लगते हैं कि भैया अब कुछ ऐसा है कि हम चाहिए, क्योंकि उसकी तलब है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको परेशानी होगी, आप किसी चीज़ को खोजेंगे, आपको ये लगेगा कि अभी जाके आप गुटखा तंबाकू या सिगरेट हम पी लें तो अच्छा फील होने लगेगा। लेकिन यही तो एक दृढ़ निश्चय करना है, यही एक आपको ये सोचना है कि ये कुछ भी हो जाए पान तंबाकू गुटखा सुरती नहीं खाना है और सिगरेट नहीं पीना है। तो 1 घंटे में आपको ये महसूस होगा, 1 घंटे में आपका ब्लड से जो निकोटीन है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको एनर्जेटिक भी फील होगा, लेकिन जो आपको तलब लगती है ना, उस तलब के प्रभाव में आप ये एनर्जी महसूस नहीं कर पाते हैं। पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम महसूस होती हैं, निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। तो अगले 12 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में तो आपको हो गया, अगले 12 घंटे में आपके बॉडी से जो जहरीली गैसें हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे आपके बॉडी में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की जगह पे जाके ये खुद बैठ जाती है और आपके बॉडी में थकान महसूस होगी, सुस्ती सी आपको लगेगी, आपको मन करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम करें, एनर्जेटिक फील नहीं होगा। लेकिन 12 घंटे में ये आपके बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है और आपको एनर्जी फील होगी, और इसी 12 घंटे में आपको तलब भी बढ़ेगी, और तलब बढ़ने का मतलब है कि आपको लगेगा कि आपका कोई दोस्त बिछड़ गया है, आपका सर में दर्द होने लगेगा, आपको हेडक होने लगेगा, आपके गर्दन में पीछे जैसे लगेगा कुछ बहुत भारी सामान रखा हुआ है, और सुस्ती जैसा भी फील होगा। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग है। उसके बाद 24 घंटे में, जी हाँ, एक दिन अगले 24 घंटे में आपकी बॉडी से जितने भी
गलत चीज़ें हैं, मतलब कि जितनी जहरीली गैसें हैं वो आपके बॉडी से निकल जाती हैं, जितना टॉक्सिन है वो अपने बॉडी से निकल जाता है, तो आपकी बॉडी पूरा टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी बॉडी में स्वेलिंग है, स्वेलिंग हाँ, सिगरेट पीने से बॉडी में स्वेलिंग होती है, जगह जगह पे आपके हर बॉडी के ऑर्गन्स को सिगरेट इफेक्ट पहुंचाता है, साइड इफेक्ट इसका बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन बॉडी से जब जहरीली गैसें निकलने लगती हैं तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए रहेंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जिसका ड्रॉबैक क्या होता है, निगेटिव क्या लगता है कि आपको निगेटिव में ये महसूस होने लगेगा कि डिप्रेशन में आपको लगेगा कि आप बस डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोई हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त था जो हमसे बिछड़ गया है, और इसमें आपको परेशानी ये होने लगती है कि चाह के भी आप उस तरफ भागने लगते हैं कि भैया आप बस सिगरेट ले ही लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर ये 24 घंटे भी आपने काट लिया, उसके बाद अगले 48 घंटे में आपके साथ क्या होगा, तो अगले 48 घंटे में आपको और ज़्यादा बेटर फील होने लगेगा और इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी बिल्कुल भी डिटॉक्स हो जाएगी और जितनी भी जहरीली गैसें थी, निकोटीन था, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपको और ज़्यादा अच्छा फील होने लगेगा। फिर आपका अगले 72 घंटे में ऐसा क्या होता है, तो अगले 72 घंटे में निकोटीन का लेवल बॉडी में बिल्कुल जीरो हो जाएगा और आपको थोड़ा सा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फील होने लगेगा क्योंकि निकोटीन अब बिल्कुल बॉडी में ख़त्म हो चुका है, जहरीली गैसें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और आपके जो बॉडी थी पूरी डिटॉक्स हो चुकी है और आपका जो सूंघने की क्षमता होती है ये आपका 48 घंटे में ही बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी, क्योंकि नर्व जो थी आपका नर्व एंडिंग जो ब्लॉकेज होती थी मतलब कि सिगरेट पीने से, वो जो ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाएगा और सूंघने की क्षमता बढ़ जाएगी और टेस्ट लेने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। 72वें घंटे में निकोटीन लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा और आप बहुत अच्छा फील होने लगेंगे, एनर्जेटिक महसूस होने लगेंगे, बॉडी की हर सेल में कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगी और बहुत ही एनर्जेटिक और यंग आपको फील होगा। इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ हर चीज़ों पे, क्योंकि आप पॉजिटिविटी को भी गेन कीजिए पॉजिटिविटी, क्योंकि निगेटिविटी इतनी ज़्यादा आपके ऊपर चढ़ी रहती है कि आपको जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको दिखाई नहीं देता है। इसलिए 72 घंटे तक, अगर 72 घंटे आपने एक प्रॉब्लम नहीं आपको हुई, क्योंकि देखिए आपको जो एक घंटे से शुरू होता है ये प्रॉब्लम, निकोटीन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, तलब लगना होता है और आपका बहुत ज़्यादा थकान होती है, सर दर्द करता है, पैर के पंजे पे गद्देदार जैसा फील होगा, ये सारी चीज़ें अगर आप 2 हफ्ते तक लगातार नहीं करते हैं, 72 घंटे से लेकर 2 हफ्ते तक आप लगातार नहीं करते हैं, तो फिर ये बहुत कम चांसेस होते हैं, सिर्फ 5% चांसेस होते हैं कि लाइफ में दोबारा आप पान तंबाकू गुटखा खाएंगे या सिगरेट पिएंगे। इसलिए सिर्फ 72 घंटे आप काट लीजिए अच्छे से और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी को महसूस कीजिए, निगेटिविटी को महसूस मत कीजिए, निगेटिविटी को इग्नोर कीजिए, पॉजिटिविटी को महसूस करके आप वो 72 घंटे अगर आपने अच्छे से काट लिया और वो सारी पॉजिटिविटी गेन कर ली, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आप पूरी लाइफ कभी पान तंबाकू गुटखा नहीं खाएंगे और सुरती का भी सेवन नहीं करेंगे, सिगरेट तो चलिए भूल ही जाइए। इसलिए 72 घंटे बहुत ही ज़रूरी होते हैं सिगरेट छोड़ने के बाद आपके लाइफ के, तो इस 72 घंटे को जरूर नोटिस करके रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।